निर्वाचन आयोग द्वारा गठित एसएसटी इंचार्ज एवं नायब तहसीलदार हंसराज बैसनाथ के नेतृत्व में टीम सदस्यों ने एचसी कुशल चंद, कुलदीप कुमार, कृष्ण पाल, सतीश कुमार तथा भरत कुमार के नाके के दौरान तारागढ़ के नजदीक पालमपुर से जोगिंद्रनगर जा रही एक फोर्ड फिगो कार में चालक आदित्य कुमार पुत्र ओम दत्त निवासी कैथल हरियाणा से चुनावी सामग्री का बिल न दिखाने के कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की चुनावी सामग्री जब्त की, जिसमें से 133 डेमो ईवीएम मशीनें, 90 फ्लैग कांग्रेस, 4 कैलेंडर कांग्रेस प्रत्याशी पालमपुर आशीष बुटेल, 1 फ्लैग व 1 टोपी भाजपा जोगिंद्रनगर के निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश राणा के, 2800 मफलर या पटके या तथा पदर के निर्दलीय प्रत्याशी पूरन चंद ठाकुर का एक फ्लैग जब्त किया गया। एसएसटी इंचार्ज एवं नायब तहसीलदार हंसराज वैसनाथ ने कहा कि करीब 10:15 बजे तारागढ़ के नजदीक लगाए नाके के दौरान गाड़ियों के निरीक्षण में पालमपुर से जोगिंदर जा रही एक कार में बिना बिल से विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी सामग्री को जब्त किया गया। इस सामग्री को निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बैसनाथ डॉक्टर मुरारी लाल के पास जमा करवा दिया गया है। हंसराज एसएसटी टीम सेकंड का इंचार्ज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ का सुबह 10:15 बजे गाड़ियों का निरीक्षण अपनी टीम के साथ कर रहे थे, जिसमें एक गाड़ी जो कि पालमपुर से जोगिंद्रनगर की तरफ जा रही थी, जिसका नंबर H4BH2008 था, का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध चुनाव संबंधी सामग्री पाई गई। अवैध इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी सामग्री का बिल ना था, जिस सामग्री को हमने सीज कर लिया है। नंबर 2।